नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर में कुशीनगर के गल्ला व्यापारी से कार सवारों ने कुसमेही जंगल में 6.5 लाख की लूट। मामला खोराबार थाना क्षेत्र का DIG जे रविंद्र गौड़, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर और SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने लिया घटना स्थल का जायजा। कहा, मामले की जा रही है छानबीन, जल्द होगा घटना का खुलासा। पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। सभी घाटों पर पुलिस कर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दी जानकारी। छठ पर्व को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा चलाई जा रही है 59 स्पेशल ट्रेनें। स्पेशल ट्रेनों की जानकारी रेलवे की वेबसाइट पर है उपलब्ध। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। ADM सिटी ने कहा, सभी छठ घाटों का नगर निगम के द्वारा करवाया जा रहा है साफ सफाई। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए सभी घाटों पर पानी में करवाया जा रहा है बैरिकेडिंग। देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम भी है मुस्तैद। 750 बसों का किया जा रहा है संचालन। परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने दी जानकारी। थानों के अपराधियों को गोरखपुर पुलिस ने दुराचारी घोषित करते हुए खोला हिस्ट्री सीट। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दी जानकारी। नहाए खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ शुक्रवार से हुआ शुरू। महुआ मंडी में पूरे दिन फलों की चलती रही खरीदारी। महुआ मंडी के दुकानदारों ने कहा, फलों की अच्छी हो रही है खरीदारी। और भगवान सूर्य की उपासना का महापर्व की रविवार को अस्ताचलगामी और सोमवार को उगते सूरज को अर्घ देने के लिए घाट पर श्रद्धालुओं ने बनाया वेदी। कहा, बेटों और पति के लंबी उम्र के लिए छठ का व्रत रहती हैं महिलाएं। अब खबरें विस्तार से। खोराबार थाना क्षेत्र के कुसमेही जंगल में कार सवार बदमाशों ने कुशीनगर के गल्ला व्यापारी से 6,56,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि व्यापारी हाजीपुर बिहार से गोरखपुर ट्रेन से आए थे, तभी रास्ते में कार सवारों ने कुशीनगर पहुंचने के लिए गाड़ी में बैठा लिया। जैसे ही गाड़ी जंगल में पहुंची, बदमाशों ने रुपए लूट लिया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर खोराबार थाने पहुंचे और जांच पड़ताल की। व्यापारी की पहचान रमाकांत जायसवाल पुत्र डोमा सेठ निवासी हाटा थाना कोतवाली जिला कुशीनगर के रूप में हुई है, जो कि गल्ला व्यवसायी है। वह कई वर्षों से कुशीनगर से गल्ला हाजीपुर बिहार भेजते हैं और रुपए के लेन देन करते हैं। रामाकांत बृहस्पतिवार को हाजीपुर बिहार एक फ्लावर मिल में पैसे लेने गए थे। बैंक बंद होने के नाते उन्होंने 6,56,000 नगद बैग में रखकर लखनऊ बरौनी ट्रेन से छावनी रेलवे स्टेशन गोरखपुर पहुंचे। वहां से पैदल आर्मी पब्लिक स्कूल एम्स गेट के पास बस का इंतजार कर रहे थे, तभी एक सफ़ेद रंग की कार से 3 लोग पहुंचे, जिसमें 2 लोग पीछे की सीट पर बैठे थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। उसने आवाज़ दिया, कुशीनगर चलना है, तो पीड़ित ने कहा कि हमको हाटा चलना है। उसके बाद व्यापारी उसी कार में बैठ गया। आगे एयरफोर्स के पास आने पर उसमें से एक व्यक्ति ने यह कहते हुए उनका मोबाइल मांगा कि अंकल कहीं फ़ोन करना है, ज़रा सा मोबाइल दे दीजिए। उन्होंने अपना मोबाइल उसको दे दिया तो उसने मोबाइल से सिम निकाल कर फेंक दिया। जब विरोध करना शुरू किए तो तीनों लोगों ने व्यापारी को मारना शुरू कर दिया। कुसमेही जंगल में लाकर बैग में रखा 6,56,000 रुपये ले लिया और जगदीशपुर चौकी अंतर्गत उतार कर फरार हो गए। पीड़ित किसी तरह इसकी सूचना जगदीशपुर चौकी पर दिया। आनन फानन में चौकी इंचार्ज राम मनोज सिंह अपने पुलिस कर्मियों के साथ लेकर जांच पड़ताल करने लगे। कई जगह पुलिस ने CCTV कैमरा भी खंगाला, मगर कहीं अभी तक कोई पता नहीं चल सका।
वहीं घटना की सूचना मिलने पर डीआईजी जे रविंद्र गौड़, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसपी श्री कृष्ण कुमार विश्नोई के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित व्यक्ति से घटना की जानकारी ली, मगर अभी तक लुटेरों का पुलिस पता नहीं लगा पाई। वहीं इस संबंध में पुलिस अधिकारियों ने कहा कि घटना की छानबीन की जा रही है। घटना का खुलासा करने के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जनपद में छठ पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी हुई, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि छठ पर्व को देखते हुए पुलिस विभाग द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। सभी घाटों पर जहां पर महिलाओं और बच्चों को आना जाना रहेगा, उनकी सुरक्षा किस तरह सुनिश्चित की जाए, इसकी भी अलग से तैयारी की जा रही है। सभी घाटों पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके अलावा सभी घाटों पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की भी ड्यूटी लगाई जाएगी, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति पानी में डूबे तो उसको तुरंत बचा लिया जाए। सभी अधिकारियों द्वारा घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है। प्रयास है कि छठ पर्व को सकुशल संपन्न करवाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए आगामी जो त्यौहार है हमारा छठ पूजा का, उसके संबंधित सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही हैं। विशेष रूप से जो घाट है जहां पर महिलाओं का बच्चों का आना जाना रहेगा, उसकी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर जो व्यवस्थाएं पूर्ण करानी है, राउंड द क्लॉक वहां पर ड्यूटी लगनी है, वहां की मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसके बारे में, और प्लस जो जो हमारी फ्लड कंपनी और गोताखोरों की जो व्यवस्था की जानी है उस संबंध में सारी तैयारियां की जा रही हैं। लगातार मीटिंग्स भी चल रही हैं, अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण भी किया जा रहा है और ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि सुरक्षित एक माहौल में ये पूरा त्यौहार जो है सम्पन्न कराया जाए। पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा छठ पर्व को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए 59 स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है, जिसके संबंध में सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा छठ पर्व को देखते हुए 59 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इस बार यात्रियों की भीड़ बढ़ी है, उनको उनके गंतव्य पर पहुंचाने के लिए रेलवे कई स्पेशल ट्रेन चला रहा है, जो कि पूर्वोत्तर रेलवे के सभी महानगरों को जोड़ रही है, जहाँ से लोगों की ज्यादा आने की डिमांड है। इसके अलावा जो नियमित ट्रेन चल रही है उसमें अलग से कोच लगाया गया है, जिससे यात्री अपनी सुविधा अनुसार आ सकें। सभी स्टेशनों पर यात्रियों को अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लगातार जुड़ रहे हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग करें, किसी अनजान व्यक्ति से खाने व पीने की वस्तु ना लें। आरपीएफ के द्वारा लोगों की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली के माध्यम से महिला पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। यह पुलिसकर्मी स्टेशनों व ट्रेनों में जाकर महिला यात्रियों को जागरूक कर रही है। जहाँ पर भीड़ भाड़ ज्यादा है वहाँ टिकट काउंटर खोला गया है, एंट्री व एग्जिट को भी सेपरेट किया गया है। सीपीआरओ ने कहा कि मेरे सभी यात्रियों से अपील है कि रेलवे स्पेशल ट्रेन चला रहा है, रेलवे के वेबसाइट से जानकारी ले सकते हैं और आसानी से सीट उपलब्ध हो जाएगा और यात्रा सुखद व मंगलमय होगी। उन्होंने कहा कि गोरखपुर बड़ा स्टेशन है, लगातार यहां से पैसेंजर ट्रेनें चल रही हैं और नियमित ट्रेन भी पहले से ही चल रही है। गोरखपुर से 14 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं और कई पासिंग ट्रेनें भी यहां से जा रही हैं। सभी पैसेंजर ट्रेनों को उनके समय से चलाया जा रहा है, जिससे कि यात्री अपने गंतव्य को जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की मांग बढ़ी है ट्रेनों की, उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कुल 59 ट्रेनें विशेष ट्रेनें चलाने का नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि चल रही हैं। ये ट्रेनें अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए चल रही हैं, जो पूर्वोत्तर रेलवे के सभी प्रमुख स्टेशनों से सभी महानगरों को जोड़ रही हैं। इसके अतिरिक्त जो हम नियमित ट्रेनें चला रहे हैं उसमें भी भीड़ बढ़ी है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुल 226 एडिशनल कोचेस लगाए हैं इन ट्रेनों में। स्टेशनों पर जहाँ छठ से संबंधित यात्रियों की संख्या बढ़ी है वहाँ पे टिकट काउंटर्स एडिशनल लगाए गए हैं, जैसे छपरा और गोरखपुर महत्वपूर्ण स्टेशन है जहाँ पे एडिशनल व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अतिरिक्त मेरी सहेली के अंतर्गत कई टीमें गठित की गई हैं जो महिला यात्रियों की हेल्प के लिए हैं, जो ट्रेनों में जाकर स्टेशनों पर उनको जागरूक कर रही हैं।
जो हमारे कॉमर्शियल के फ्रंट लाइन स्टाफ हैं उनकी ड्यूटी बढ़ाई गई है, ड्यूटी आवर्स बढ़ाए गए हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में रहें और उनकी जो समस्याएं हैं उनको देखें और उनको दूर करें। अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लगातार हम लोग जो है लोगों से अपील कर रहे हैं कि जब भी यात्रा करें तो स्टेशनों पर जब भी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना हो तो FOV का प्रयोग करें। किसी भी अनजान व्यक्ति से दी हुई या ली हुई चीज़ें ना खाएं पिएं, जहर खुराने से सावधान रहें। RPF के जो हमारे जवान हैं वो लगातार ऐसे लोगों के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं जो इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में लिप्त रहते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई लगातार हो रही है, ऐसे अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। जो रेलवे का एक मॉनिटरिंग सिस्टम है 3 tier का, वो महत्वपूर्ण स्टेशनों पे लगा हुआ है, CCTV कैमरा के माध्यम से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो लगातार यात्रियों की यात्रा इस छठ पूजा के दौरान कुशल हो सके, मंगलमय हो सके, इसके लिए रेलवे सभी प्रयास कर रही है। जो हमारा फ्रंट लाइन स्टाफ है उनको लगाया गया है, जहाँ आवश्यकता है, जहाँ भीड़ ज़्यादा है वहाँ पे टिकट काउंटर्स भी जो खोले गए हैं, एंट्री और एग्जिट भी सेपरेट किया गया है यात्रियों की संख्या को देखते हुए। सभी यात्रियों से अपील है कि जब भी अपना यात्रा प्रोग्राम इस दौरान बनाएं तो उसमें ध्यान रखें कि रेलवे लगातार स्पेशल ट्रेनें चला रही है, तो नियमित ट्रेनों के अलावा रेलवे की वेबसाइट जो है उसके माध्यम से स्पेशल ट्रेनों की भी जानकारी प्राप्त करें, उसमें आसानी से आपको सीट उपलब्ध हो सकती है और आपकी यात्रा सुखद और मंगलमय होगी। छठ पर्व की मैं सभी व्यूवर्स को ढेर सारी बधाई देता हूँ और आपकी यात्रा मंगलमय हो, रेलवे ऐसी कामना करता है। सर, गोरखपुर स्टेशन बड़ा माना जाता है, यहाँ पे लोकल यात्री आते हैं, लोकल जाने के लिए क्या पैसेंजर क्या है? पैसेंजर ट्रेनें जो हैं, गोरखपुर बड़ा स्टेशन है, लगातार हम लोग स्पेशल ट्रेनें यहाँ से चला रहे हैं, जो नियमित ट्रेनें ऑलरेडी चल रही हैं। अगर गोरखपुर से केवल वरिजिनेट करने की या टर्मिनेट करने की बात करें तो लगभग 14 ट्रेनें यहाँ से विशेष हम चला रहे हैं गोरखपुर से, बाकी कई ट्रेनें पासिंग ट्रेनें भी यहाँ से जा रही हैं। तो गोरखपुर जंक्शन बहुत ही बिजी जंक्शन है, ऐसे में मैक्सिमम जो इसकी कैपेसिटी है वो हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। जो पैसेंजर ट्रेनें चल रही हैं उन सभी पैसेंजर ट्रेनों को अपने नियमित टाइम से चलाया जा रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे यात्री जो लोकल यात्री हैं वो पैसेंजर ट्रेनों जनपद में छठ पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी पूरी हुई, जिसके संबंध में ADM सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में छठ पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा जिले के राप्ती घाट, गोरखनाथ मंदिर का सरोवर, सूरजकुंड का सरोवर, मानसरोवर, मंदिर सरोवर सहित अन्य जलाशयों में जहाँ पर छठ पूजा मनाई जाती है, नगर निगम के द्वारा सभी घाटों पर लाइटिंग की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था करवाया जा रहा है। इसके अलावा पानी में भी बैरिकेडिंग की जाएगी, जिससे कि लोग गहरे पानी में ना जाएं। सभी घाटों पर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगा दी गई है, जिससे लोगों को किसी तरह की समस्या ना हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADM सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा, छठ पर्व को लेकर जो विभिन्न घाट है हमारे, राप्ती नदी के किनारे राजघाट, राम घाट, इसके अलावा गोरखनाथ मंदिर में जो घाट है, सरोवर है, मानसरोवर मंदिर पे सरोवर है, अन्य जो भी जलाशय हैं जहाँ पे छठ पूजा मनाई जाती है, उन सभी जगहों पे नगर निगम के माध्यम से लाइटिंग की व्यवस्था, साफ़ सफाई की व्यवस्था और पानी के अंदर एक पर्याप्त गहराई तक लोग जाएं, उससे आगे ना जाएं, उसको लेकर बैरिकेडिंग की व्यवस्था कराई जा रही है। साथ ही हमारे द्वारा मजिस्ट्रेट की ड्यूटियाँ भी लगा दी गई हैं सभी मुख्य घाटों पर, जहाँ पे वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होंगे। पुलिस की व्यवस्था भी लगाई जा रही है ताकि महिलाओं को पूरी तरह से सुरक्षित त्यौहार मनाने का मौका मिले। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के द्वारा छठ पर्व को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए 750 बसों को चलाया गया है, जिसके संबंध में परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद्र ने बताया कि छठ पर्व को देखते हुए 750 बसों को चलाया गया है, जो कि यात्रियों को उनके गंतव्य को पहुंचा रहे हैं, जिसमें ज्यादा यात्री तमकुहीराज, पडरौना, देवरिया, बिहार के हैं, जिनको भिजवाने के लिए बसों को लगाया गया है। जो लखनऊ, कानपुर की बसें हैं उनके फेरा को बढ़ाया गया है, हर मार्ग पर फेरों की संख्या को बढ़ा दिया गया है, जिससे कि किसी यात्री को किसी तरह की दिक्कत ना हो। बस स्टैंड पर भी हर जगह जाने के लिए पर्याप्त बसों को लगाया गया है, किसी भी यात्री को किसी तरह की समस्या नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद ने कहा, Thank you.
बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, ये कोरोना वाली। ऐसा इस समय छठ 30 तारीख को है जिसमें यात्री लखनऊ कानपुर दिल्ली ट्रेनों से बसों से आ रहे हैं। इनके लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है। जो हमारी लखनऊ कानपुर दिल्ली लंबे मार्ग की बसें हैं उनके फेरे तमकुही पडरौना बढ़ाए गए हैं। इस समय ज़्यादातर सवारियां पडरौना तमकुही रुद्रपुर देवरिया की निकल रही है। लंबे रूट के बसों को काट कर उनके फेरे बढ़ाकर यात्रियों को पूरा भिजवाया जा रहा है। कितनी बसें लगाई गई? लगने को 105 अनुबंधित बस है, 60 निगम की बस है, कुल 165 बस मेरी लगी है। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर पडरौना तमकुही देवरिया की बसों को भी भेजकर पूरा कराया जा रहा है। कितने ट्रेनों? ट्रेन का तो था कि 125 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, उनसे यात्री आए हैं, तो यात्री आ रहे हैं, जा भी रहे हैं। ये बसें छोड़ के 2 घंटे में फिर आ जा रही हैं। ये सिलसिला कल 10 बजे तक चलेगा। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर में कुशीनगर के गल्ला व्यापारी से कार सवारों ने कुसमेही जंगल में 6.5 लाख की लूट। मामला खोराबार थाना क्षेत्र का DIG जे रविंद्र गौड़, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर और SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने लिया घटना स्थल का जायजा। कहा, मामले की जा रही है छानबीन, जल्द होगा घटना का खुलासा। पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। सभी घाटों पर पुलिस कर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दी जानकारी। छठ पर्व को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा चलाई जा रही है 59 स्पेशल ट्रेनें। स्पेशल ट्रेनों की जानकारी रेलवे की वेबसाइट पर है उपलब्ध। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। ADM सिटी ने कहा, सभी छठ घाटों का नगर निगम के द्वारा करवाया जा रहा है साफ सफाई। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए सभी घाटों पर पानी में करवाया जा रहा है बैरिकेडिंग। देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम भी है मुस्तैद। 750 बसों का किया जा रहा है संचालन। परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने दी जानकारी। थानों के अपराधियों को गोरखपुर पुलिस ने दुराचारी घोषित करते हुए खोला हिस्ट्री सीट। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दी जानकारी। नहाए खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ शुक्रवार से हुआ शुरू। महुआ मंडी में पूरे दिन फलों की चलती रही खरीदारी। महुआ मंडी के दुकानदारों ने कहा, फलों की अच्छी हो रही है खरीदारी।
भगवान सूर्य की उपासना का महापर्व की रविवार को अस्ताचलगामी और सोमवार को उगते सूरज को अर्घ्य देने के लिए घाट पर श्रद्धालुओं ने बनाया वेदी। कहा बेटे और पति के लंबी उम्र के लिए छठ का व्रत रहती हैं महिलाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोरखपुर पुलिस ने 5 थानों के अपराधियों को दुराचारी घोषित करते हुए हिस्ट्री शीट खोला है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि जनपद पुलिस लगातार अपराधियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, जिसको देखते हुए 5 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है, जिनकी पहचान कुंदन चौधरी पुत्र स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी निवासी सूर्य विहार कॉलोनी थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर, दूसरा मनोज निषाद पुत्र उमापति निषाद निवासी शेरपुर चमराह थाना चिलवाताल जनपद गोरखपुर, तीसरा रियाजुद्दीन पुत्र निवास अली निवासी अराजी चिलबिलवा थाना गुलहरिया जनपद गोरखपुर, चौथा रामनारायण गुप्ता पुत्र विंध्याचल गुप्ता निवासी शराय गुलहरिया थाना गुलहरिया जनपद गोरखपुर, पांचवा सुनील निषाद पुत्र स्वर्गीय छेदी निषाद निवासी चक्रा अव्वल थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए लगातार जो हमारा अभियान है अपराधियों के खिलाफ चल रहा है, उसमें जितने भी प्रिवेंटिव एक्शंस हैं, चाहे वो हिस्ट्री शीट के संबंध में हो, गैंगस्टर के संबंध में हो, 14 की कार्रवाई के संबंध में हो, वो लगातार चल रहे हैं और आगे भी ऐसे जो कार्रवाइयां हैं वो की जाएंगी। लोक आस्था का महापर्व छठ शुक्रवार से शुरू हो गया है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्यव्रती महिलाएं देंगी, जिसको देखते हुए गुरुवार को महिमा मंडी में पूरे दिन फलों की खरीदारी चलती रही। शुक्रवार को भी मंडी में लगातार फलों की खरीदारी लोग करते नजर आए, जिसमें लोगों द्वारा पूजा सामग्री भंवरी और फलों के साथ अन्य इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों की खरीदारी की गई, जिसकी वजह से बाजारों में रौनक भी रही। छठ पर्व में महिलाएं 36 घंटे निर्जल व्रत रखती हैं, जो कि बहुत ही कठिन माना जाता है। इसमें व्रती महिलाएं लगातार व्रत रहकर पूजा पाठ करती हैं। नहाए खाए के साथ इसकी शुरुआत होती है। छठ पूजा के दौरान कठोर नियमों का पालन करना होता है, जिसके संबंध में फलों की बिक्री करने वाले महिमा मंडी के दुकानदारों ने बताया कि 2 साल से कोरोना की वजह से लोगों ने छठ पूजा नहीं मनाया, लेकिन इस साल पूरी उम्मीद है कि फलों की खरीदारी अच्छी होगी। उन्होंने कहा कि सेब 50 रुपए से 70 रुपए किलो और अनार 70 रुपए से 150 रुपए किलो तक बिक रहा है। मार्केट में कीवी अंगूर का रेट कुछ ज्यादा है। इस पर्व में लोगों का सभी फलों का डिमांड रहता है। वहीं मंडी सचिव राजित राम वर्मा ने बताया कि पर्व को देखते हुए मंडी में फोर्स की व्यवस्था की गई है और रोड को 1-वे कर दिया गया है और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि मंडी में कहीं पर किसी प्रकार का जाम की समस्या उत्पन्न ना होने पाए। मंडी की सुरक्षा में पुलिस के जवान, PRV सैनिक कल्याण निगम के जवान एवं मंडी के स्टाफ द्वारा निगरानी की जा रही है और बार बार अलाउंस के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि मंडी में साफ सफाई रखें, रोड पर गाड़ी खड़ा ना करें और मेन गेट से प्रवेश करें तथा पीछे की गेट से चले जाएं, ताकि जाम ना लगने पाए। उन्होंने कहा कि मंडी में इमली, सेब, संतरा, गंजी, सिंघाड़ा, नींबू, अनानास, शरीफा, नारियल, मूंगफली, गन्ना, सुतनी, सुपेली, दौरा सहित कई किस्म के फल और पूजा का सामान बिक रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए फल बेचने वाले महिमा मंडी के दुकानदारों एवं महिमा मंडी के सचिव राजित राम वर्मा ने कहा, ¡Gracias!
जवाहर प्रसाद, बिक्री की स्थिति बहुत डमाडोल चल रहा है, कोई बढ़िया बिक्री नहीं है, हर चीज़ के अलग अलग रेट बा, अलग अलग बिक्री बा। बिक्री में जैसे मान लीजिए कि कुछ आमदनी की वजह से ज़्यादा गिर गया है तो इससे आदमी नहीं बेच पा रहा है, आ जो कम है वो अच्छा रेट में बिक रहा है। कौन कौन सा आइटम रखे हैं आप? हमारे पास केवल हल्दी है, अदरक है, शरीफा है, गाजर है, यही सब आइटम है। महेंद्र कुमार। कौन सा आइटम बेच रहे हैं आप? ए कच्ची लवांग है। कहाँ से लाएंगे? अरे इधर से, जंगल से लाएंगे। किस जगह से? किस जगह से? कुसमी ओर से। किसमें प्रयोग होता है ये? छठी बेदीप सजाया जाता है किनारे किनारे। जगदीश कुमार सोनकर। बिक्री का करीब करीब ठीक ही स्थिति है, केवल सेब का थोड़ा स्थिति खराब है, सेब इस साल में बहुत डाउन में बिका है। क्या क्या आइटम? आइटम तो बहुत से हैं, छठ महिमा है, छठ मैया की महिमा की वजह से यहाँ समझ लीजिए कुछ भी बिक जाए तो कमी है, तो क्या क्या बेच रहे हैं तो अलग ही बात है। और संतरे क्या क्या? संतरे का रेट थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा है और सेब का मार्केट भी डाउन है थोड़ा। सेब समझ लीजिए 40 रुपये लेके 60 रुपये किलो तक चला है, 15 समझ लीजिए वो भी चला 40 से लेके 60 रुपये किलो तक। हाँ मुझे आमदनी ज़्यादा सेब की, सेब की आमदनी ज़्यादा रही और संतरे की भी रही, मेन वजह यही है। नाम सुभाष चंद्र सोनकर, मैवा मंडी फल मंडी। छठ करो कि यह है कि अगले साल से, 2 साल से कोरोना की वजह से लोगों ने छठ मनाया नहीं भरपूर, इस साल कुछ उम्मीदें हैं, जिस तरह जैसा माल खुल रहा है उस हिसाब से माल बिक रहा है, कि फल की में कोई शिकायत का मौका रहता भी है। अब जिस तरह चावल का रेट नहीं होता, हर क्वालिटी का चीज़ रहता है, उस तरह फल का भी है, अनार जो है, सेब जो है 50 रुपये किलो से लेकर के 70 रुपये किलो तक, 80 रुपये किलो तक का बिक रहा, क्वालिटी के ऊपर है। और अनार की स्थिति यह है, क्वालिटी के ऊपर है, जैसा चीज़ खुला वैसा बिक रहा है, ये समझ लगे 70 रुपये किलो से लेकर के 140-150 रुपये किलो तक का अनार की स्थिति है। छठ को माल को देखते हुए हम लोगों ने भी बड़ा हिम्मत करके माल मंगाया कि पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो, और मार्केट में सब चीज़ अवेलेबल है लेकिन अपनी लिमिट के अनुसार अवेलेबल है। कुछ नया फल भी आया मार्केट? हाँ मार्केट में आया, इस समय कीवी भी आया, ड्रैगन भी आया है और अंगूर भी चला, अंगूर भी जरा शॉर्टेज की वजह से अंगूर का रेट जरा हाई है, क्योंकि वहाँ पे काश्तकारों ने डर के मारे पैदा नहीं किया। ज़्यादातर लोगों में क्या डिमांड है? ज़्यादा लोगों में छठ के पीरियड में सभी चीज़ का डिमांड रहता है, लेकिन अगले 2 सालों से डर के वजह से लोगों ने ज़्यादा पैदा नहीं किया, कहीं होल ना हो इस साल भी कुछ माहौल हो जाए ऐसे। राजेश कुमार सोनकर। चित्र मतलब छठ के पर्व पे पूर्व स्थिति बनी हुई है, जिस तरह त्यौहार लोग मनाते थे, कोरोना तो पिछले वर्षों में जो भी हुआ उसके वजह से नहीं मनाए लोग, और इस साल जो छठ है उसमें उत्साह और उल्लास दोनों नज़र आ रही है, और जो भी यहाँ पे ख़रीदार हैं वो रेगुलर आ रहे हैं, और मतलब कल आज कल में दोनों में 2 दिन चलेंगे और जो भी उनकी ख़रीदारी होगी वो करेंगे, और यहाँ पे जो भी आवक है वो पूर्व मतलब पूरे रूप में है, सब कुछ मिल जा रहा है, सब कुछ का किसी का दाम कोई ज़्यादा नहीं है। किस किस प्रकार का फल आया है? मतलब अनार है, यहाँ सेब आया है, और बाहर से मौसमी है, और आपका मतलब और भी जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, चकोतरा है, सब चीज़ें बिक रही हैं। क्या रेट चल रहा है सेब अनार? मतलब सेब यहाँ 40 रुपये से 45 रुपये के अंदर है, 50 रुपये हाइएस्ट, और मौसमी 30-35 रुपये किलो का है, और भी जो आइटम है वो अपने जगह सफिशिएंट रेट। लोगों में क्या डिमांड है? लोगों में अच्छी डिमांड है फल की, मतलब लोग उत्साह से खरीद रहे हैं, क्योंकि प्रसाद में सारी चीज़ें चढ़ती हैं और सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। कुछ नया भी आया फल? नहीं कुछ तो नया नज़र नहीं आया, लेकिन इस साल हर साल की अपेक्षा शरीफा नज़र आया है, जिसकी डिमांड कुछ बढ़ी है यहाँ पर। छठ पर्व लेकर मंदिर में क्या?
छठ पर्व को लेकर के मंडी में जो है फोर्स की व्यवस्था की गई है, इसको उनबे किया गया है और प्रयास किया जा रहा है कि जाम कहीं ना लगने पाए। और ऐसा आपको दिख भी रहा होगा कि कोई विशेष रास्ते में जाम नहीं लग रहा है। इसमें पुलिस के जवान भी हैं, पीआरडी के जवान हैं, सैनिक कल्याण निगम के जवान हैं, स्टाफ है, मैं स्वयं लगा रहता हूं जो है। तो इधर छठ में भीड़ तो लगती ही है लेकिन रोड जो है आने जाने में कोई विशेष असुविधा नहीं हो रही है, लोग जो है आसानी से आ जा रहे हैं। व्यापारी यहाँ पे आते हैं? व्यापारी तो यहाँ पूर्वांचल के जो है कई ज़िलों के जो है लोग आते हैं और लोकल के काफ़ी लोग चले आते हैं। कुछ ऐसे तमाम प्रकार के फल आते हैं जो मंडी में नहीं दिखाई पड़ते हैं, छठ के समय जो है इस समय जो फल आ रहे हैं जो पहले। सर नए में कुछ फल आए हैं? नए में तमाम हैं, तमाम प्रकार के इमली हैं, कैंत है और जो है क्या कहते हैं पेहटुल वगैरह ये सब देखने को मिल रहा है जो है। और नींबू बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं जो ये मंडी में बिकते नहीं हैं लेकिन वर्तमान समय में बिक रहे हैं। सर इस समय कितनी भीड़ हो जाती है खरीदारों की? भीड़ तो ऐसे तो देखा जाए तो पब्लिक जो है इसमें छठ में ज़्यादा आ रही है जो है। अब लोकल के आज जो पोजीशन है वो लोकल के लोग ज़्यादा आ रहे हैं, थोक के ज़्यादातर वो जो है दो दिन पहले ही माल ले जा चुके हैं, अब इस समय लोकल के लोग ज़्यादा आ रहे हैं, इसी वजह से भीड़ ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? लोगों को पीए सिस्टम यहाँ लगा हुआ है, बार बार अनाउंस किया जा रहा है कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, रोड पर गाड़ी ना खड़ा करें और मेन गेट से प्रवेश करें और पीछे मंडी गेट से बाहर चले जाएं, इसको ताकि जाम ना लगे जो है। और पीए सिस्टम से भी किया जा रहा है और लोगों को बताया भी जा रहा है, घूम घूम करके लोगों को बताया भी जा रहा है। भगवान सूर्य की उपासना का महापर्व शुक्रवार से नहाए खाए के साथ शुरू हुआ। चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में शनिवार को खरना, रविवार को अस्ताचलगामी और सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ के साथ इस पर्व का समापन होगा। जिसको देखते हुए इस पर्व को लेकर जनपद में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आपको बता दें कि बाढ़ की वजह से नदियां उफान पर होने की वजह से घाट पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। नदियों का पानी अब काफी तेजी से कम हो रहा है, उम्मीद लगाया जा रहा है कि रविवार से पहले पानी कम हो जाएगा। छठ पूजन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बता दें कि राप्ती घाट स्थित गुरु गोरखनाथ घाट पर श्रद्धालुओं ने घाटों की साफ सफाई के साथ साथ वेदी बनाया, जिसके संबंध में वेदी बनाने आई महिलाओं ने बताया कि बेटों और पति की लंबी उम्र के लिए छठ का व्रत माताएं रखती हैं। उन्होंने कहा कि छठ का व्रत कई वर्षों से कर रहे हैं, इस पर्व का महत्व है। जिन लोगों ने सच्चे मन श्रद्धा से इस पर्व को मनाया है उनकी जो भी मनोकामना होती है वह छठी मैया पूरा करती हैं। मनोकामना पूरी हो जाती है तो कोसी भी भरा जाता है। उन्होंने कहा कि इस पर्व में नारियल, केला, अनार, गंजी, सिंघाड़ा, गन्ना, अदरक, हल्दी, नारियल, ठेकुआ, अन्य प्रकार के फल चढ़ाए जाते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वेदी बनाने आई महिलाओं ने कहा, इतना मोटा बनावा जाला वही दावत दावत होता ना सारो ना होके थोड़ा फरते रहे ना हम बैठने में डालो फोटो खिंचवा ले।
मेरा नाम रिंकी निषाद है। कहाँ से? हम ललातपुर से आए हैं। कितने सालों से गरीब हैं? ये 16 साल से हम व्रत कर रहे हैं। क्या महत्व होता है इस त्यौहार का? ये महत्व है कि जिन लोगों ने भी सच्चे मन से श्रद्धा से इस त्यौहार को पूरा किया है उनका जो भी मनोकामना है पूरा होता है। मेरे साथ भी कई चमत्कार हुए हैं। मैंने जो भी मांगा है छठ मैया से माँ ने मुझे वो दिया है। क्या चमत्कार हुआ? चमत्कार बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। अब गिनाने बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा, लेकिन हाँ जो भी मांगते हैं मेरा पूरा हो जाता है। जब भी पूरा होता है कुछ सालों बाद हम माँ का कोसी भी भरते हैं जब जब पूरा होता है तो। क्या क्या चढ़ाया जाता है इसमें? नारियल, केला, अनानास और ठेकुआ और तरह तरह के फल चढ़ाए जाते हैं, जो कि ये कुछ फल बहुत अनिवार्य होते हैं। व्रत कितने दिन पहले रहा? व्रत तो 3 दिन का होता है, 36 घंटे का व्रत होता है और इसको अच्छे से श्रद्धा से हम लोग पूरा करते हैं। इंद्रावती। कहाँ से आई हैं? बेतिहाता से। कहाँ पे आई हैं इस समय आप? राजघाट नदी पर। क्या करना है? घाट बनाना आए हैं। कितने सालों से आप आ रही हैं? 9 साल से बहुत साल हो गया छठ भुगते। क्या मानता है छठ पूजा का? अब मानता है कुछ मान दिए पूरा हो गया तो छठ करते हैं। क्या कुछ पूरा हुआ होगा आपका तभी तो? जैसे बच्चे खाली लड़की मतलब होती थी तब लड़के हुए तब छठ हम मान दिए। दो लड़के हुए तब से हम छठ करने लगे। पहले के देखा हुआ जाए अब बहुत भीड़ होती यहाँ पर? बहुत भीड़ होती, पहले नहीं होती थी। हम जब से छठ कर रहे हैं यहाँ उतना भीड़ नहीं, अब तो बहुत भीड़ होती है। क्या हुआ जाए? अब वजह ये है, अब सबकी मान्यता पूरी होती है। हाँ सबकी मान्यता, सब कोई कहता है मान दिए पूरा हो गया तो हम भुगते हैं। क्या क्या चढ़ाया जाता है छठ मैया को? छठ में जितना फल जुट जाता है अपने जुटाना के प्रदौरा भर जाता है। क्या करना पड़ता है इसमें आप लोग को? छठ जैसे आज की खैले कल खरना है छुटकी, कल शाम को मीठा भात खाएंगे लोग। आज एक नमक छुले सोमवार को मिलेगा, परसों रविवार के बड़की है साझे रख के आएंगे हम लोग, फिर सोमवार के सवेरे आएंगे खत्म हो जाएगा। कुछ गीत भी होता है? गीत होता है, याद नहीं आता हमको अब इतना याद नहीं आता है गीत। नदिया किनारा में बोलो मेराई छठी माँ, रैया ही फूली फूली भल का चनरवा, सुगवई पर सुगा मेड़ा राय सुगवा के मरबो धेनु से सुगा गिर मुरु छाय। उषा सिंह। कहाँ से आई हैं? रुस्तमपुर। क्या कहाँ पे आई हैं? ये घाट पर है। ये कौन सा घाट है जी? ये राजघाट है ना? हाँ राजघाट पर आए हैं, मट्टी और पानी लेने आए हैं, घाट बनाएंगे घर पर ही हम। छठ का तो बहुत महत्व है। क्या क्यों घर पर छठ करेंगे? इसलिए कर रहे हैं कि पानी कितनी वो है कि डर लगता है कि पैर स्लिप कर जाए तो क्या करेंगे हम, तो इसीलिए घर पर मनाएंगे, घर पर आराम से रहेगा। घाट का पानी ले जा रहे हैं हम। क्या पर्व होता है, क्या मानता होता है छठ का? अरे छठ का तो बहुत महत्व है, छठ का क्या नहीं, छठ में तो हर चीज़ है। अरे बच्चे के लिए, पति के, घर परिवार के लिए है, सब कुछ सुख समृद्धि के लिए किया जाता है छठ। क्या क्या चढ़ाया जाता है छठ में? ठेकुआ रहता है, गन्ना रहता है, अदरक रहती है, हल्दी रहेगी, ये सब छोटे छोटे हर फल रहेंगे, अनार उनार सब रहेगा, नींबू उबूर सब रहेगा, सारे फल रहेंगे, कोई ऐसा चीज़ नहीं रहेगा जो छूट जाए। कोई गीत भी गाया जाता है? हाँ गीत गाया जाता है, गीत अरे भगवान छठ का तो गीत इतना याद नहीं है हमको। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर में कुशीनगर के गल्ला व्यापारी से कार सवारों ने कुसमेही जंगल में 6.5 लाख की लूट। मामला खोराबार थाना क्षेत्र का DIG जे रविंद्र गौड़, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर और SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने लिया घटना स्थल का जायजा। कहा मामले की जा रही है छानबीन, जल्द होगा घटना का खुलासा। पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। सभी घाटों पर पुलिस कर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दी जानकारी।
देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा चलाई जा रही है 59 स्पेशल ट्रेनें। स्पेशल ट्रेनों की जानकारी रेलवे की वेबसाइट पर है उपलब्ध। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। एडीएम सिटी ने कहा, सभी छठ घाटों का नगर निगम के द्वारा करवाया जा रहा है साफ सफाई। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए सभी घाटों पर पानी में करवाया जा रहा है बैरिकेडिंग। देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम भी है मुस्तैद। 750 बसों का किया जा रहा है संचालन। परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने दी जानकारी। पांच थानों के अपराधियों को गोरखपुर पुलिस ने दुराचारी घोषित करते हुए खोला हिस्ट्री सीट। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दी जानकारी। नहाए खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ शुक्रवार से हुआ शुरू। महुआ मंडी में पूरे दिन फलों की चलती रही खरीदारी। महुआ मंडी के दुकानदारों ने कहा, फलों की अच्छी हो रही है खरीदारी। और भगवान सूर्य की उपासना का महापर्व की रविवार को अस्ताचलगामी और सोमवार को उगते सूरज को अर्घ्य देने के लिए घाट पर श्रद्धालुओं ने बनाया वेदी। कहा, बेटों और पति की लंबी उम्र के लिए छठ का व्रत रहती हैं महिलाएं। अब मुझे दे इजाजत। नमस्कार।